सर बहुत बहुत स्वागत है पर आपका। थैंक यू। सर आपने जो लव ऑल करके आप मूवी ला रहे हैं 25 अगस्त, तो इसके बारे में बताइए, किसकी कहानी है बैडमिंटन को लेकर, थोड़ा डिटेल्स बताएंगे। देखिए, स्पोर्ट्स ड्रामा है और बैडमिंटन पर आधारित ये फिल्म है। लव ऑल आप नाम से अगर परिचित नहीं है तो मैं बता दूं कि जो भी रैकेट स्पोर्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग बैडमिंटन, उसमें लव ऑल का जो मतलब होता है वो होता है कि स्कोर 0-0 पे है और गेम वहाँ से शुरू होता है। एम्पायर का एक अनाउंसमेंट होता है लव ऑल प्ले, तो उसका अर्थ ये होता है कि एक नया गेम है, एक नई शुरुआत है। तो बैडमिंटन की टर्मिनोलॉजी में लव ऑल का मतलब गेम का स्टार्ट होना है, और अगर लाइफ से उसको कनेक्ट करें तो वो एक संदेश है कि जिंदगी किसी भी मौके से दोबारा शुरू की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं या आप निराश हैं, तो लव ऑल उस चीज़ का नाम है कि आप फिर से रिस्टार्ट करें चीज़ों को और लव ऑल करें। अच्छा सर, मैं के सर ने भी बताया कि हमने जो 200 से ज़्यादा जो है एक प्रोफेशनल हमने जो खिलाड़ी है एक्टिंग के लिए किए थे, क्या एक्टर इस फिल्म में काम नहीं कर सकते थे, आपको क्या लगता है? नहीं, एक्टर्स ने काम किया है, के सर तो एक्टर ही हैं और नहीं, भी मैं हैं। प्लेयर को बात कर रहा हूँ, जो प्लेयर्स थे। मुझे ऐसा शुरू से ऐसा महसूस होता था कि बैडमिंटन में जिस तरह की क्वालिटी मैं दिखाना चाहता था स्क्रीन पे, या जो प्रोफेशनल बैडमिंटन में चाहता था कि दिखे, जो आज तक तो नहीं दिखा बड़ी स्क्रीन पे, वो एक्टर्स को सिखाना कठिन होगा। और बजाय उसके मैं प्लेयर्स को लूँ और उनको एक्टिंग सिखाऊँ तो वो थोड़ा सा सरल होगा, और वो बैडमिंटन हम शायद देख पाएंगे जो कि वो डिजर्व करता है बैडमिंटन की पब्लिक उसे देखे। और देखिए, उसका परिणाम ये रहा कि बैडमिंटन इतना खूबसूरत उसमें निकल के आया है फिल्म में कि जब पुलेला गोपीचंद जी, आप सभी जानते होंगे, तो गोपीचंद जी ने जब उस फिल्म को देखा तो इतने खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप बताइए इस फिल्म के लिए मैं क्या करूँ। तब हमने उनसे कहा कि सर आप ही इस फिल्म को प्रेजेंट कर दीजिए हिंदुस्तान की पब्लिक को, वर्ल्ड के लोगों को, और वो राजी हुए। तो इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं पुलेला गोपीचंद। सर आपको क्या लगता है, जब 25 अगस्त को ये मूवी रिलीज होगी तो बैडमिंटन का कितना बड़ा असर पड़ेगा इंडिया में, जो जैसे कि अभी क्रिकेट देखें तो गली मोहल्ले में लोग ऐसा खेलते हैं, क्या बैडमिंटन का भी ऐसा दौर आएगा मूवी के बाद? मुझे लगता है कि गली मोहल्ले में बैडमिंटन चलता है रात में, दिन में हाउसवाइफ जो होती हैं वो बैडमिंटन खेल लेती हैं थोड़ा बहुत तो। लेकिन हाँ, उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म देख के जो भी थिएटर से निकलेगा और अगर वो परिवार या वो बच्चा बैडमिंटन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो शायद उनका मन कर जाएगा कि यहाँ से सीधे स्पोर्ट्स शॉप चले और एक रैकेट और शटल लेके बैडमिंटन शुरू किया जाए। ये मुझे उम्मीद है, और ऐसे फीडबैक है हमें कि फिल्म देखने के बाद लगा कि नहीं, बैडमिंटन तो शुरू करना अगर वो परिवार वो बच्चा अगर बैडमिंटन खेलेगा, क्या पार्ट टू भी आएगी? है। नहीं, ये तो बड़ा ऐसा प्रश्न है, वो तो मैं अभी सोचा भी नहीं और बता भी नहीं सकता। नहीं, आपने परिवार की बात की इसलिए मैंने पूछा कि जो है अगर परिवार अगर बच्चे जुड़ जाते हैं, लगाव ही ज्यादा है, अगर मूवी जी, अगर सुपर डुपर तो हिट बस जाती है तो। फिल्म फिल्म का उद्देश्य पूरा हुआ। अगर वो बैडमिंटन उस स्थिति में आ जाता है तो फिर कुछ और बनाएंगे। जी थैंक यू सो मच सर, आपने जो डिफाट की। थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था, लेकिन कहानी और स्पोर्ट्स, ये दोनों चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं इस फिल्म में, और वो उसकी तरफ मैं आकर्षित हुआ। देखिए, चैलेंज तो सभी के लिए लाइफ में होते हैं, खिलाड़ियों को चैलेंजेस ज्यादा हैं, इससे बहुत ज्यादा है, तो वो सब इसमें चीजें कवर हुई है। क्योंकि मैं एक बैडमिंटन का खिलाड़ी रहा हूँ तो मुझे काफी हद तक अंदाजा था कि क्या क्या समस्याएं खिलाड़ी को फेस करनी पड़ती है। बैडमिंटन नहीं, ये हर स्पोर्ट्स की कहानी है। उसमें फाइनेंशियल प्रेशर है, करियर की चिंता है, पेरेंट्स या अपनी फिक्र है जो देते हैं, इंजरीज बहुत बड़ा एक हर्डल है प्लेयर की लाइफ में। वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को हम देखते हैं, ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी आज बाहर है, इंजरीज एक मेजर वो प्रॉब्लम है, तो उन सबको एड्रेस किया है। फिर पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स की, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लोग स्पोर्ट्स में आ चुके हैं जिनका जो जो अथॉरिटीज है वो शायद उस स्पोर्ट्स से कभी जुड़े नहीं है, वो खेले नहीं, वो लोग उसको गवर्न कर रहे हैं, तो वो उन प्रॉब्लम्स को इसमें एड्रेस किया गया है। तो वो सारी प्रॉब्लम यार बड़े जेनुइन तरीके से है, सिर्फ तो फिल्मी जिसको कहना चाहिए कि बढ़ा चढ़ा के दिखाना है ऐसा नहीं है, जो देखता है प्लेयर। इस फिल्म का परसों हम लोगों ने गोपीचंद अकादमी में प्रीमियर किया है, और वहां सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स नेशनल प्लेयर्स थे, जिसमें श्रीकांत किदंबी जो वर्ल्ड नंबर वन रहे वो थे, गायत्री सौरभ वर्मा समीर वर्मा थे, और उन लोगों ने
देख के कहा कि ये तो बड़ी ऑथेंटिक फिल्म, ऐसा लगा है कि जैसे हम ही लोग खेल रहे हैं या एक इंटरनेशनल मैच चल रहा है। तो उस तरह से जब हमने इसको दिखाया तो मुझे लगता है कि वो सारे पॉइंट हमने कवर किए जो खिलाड़ी की लाइफ में आते हैं। तो वो चैलेंज तो है भी और हमने दिखा भी पाए शायद अच्छे से। नेशनल प्लेयर्स से एक्टिंग कराना कितना चैलेंजिंग रहा? बड़ा आसान रहा, एक्टर को बैडमिंटन सिखाने से तो बहुत आसान रहा। उसका कारण है, मैं जानता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, यहाँ दो बच्चे बैठे हैं और इन्होंने कमाल का काम किया है, इनका कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है वो आम बच्चों से अलग होता है। पूरी हिंदुस्तान में अकेले घूमते हैं, 12 साल की उम्र से बच्चे कभी चेन्नई में टूर्नामेंट खेल रहे हो, इतनी भीड़ के सामने जहाँ हुटिंग होती है, जहाँ सब होता है।